विराट कोहली भाई, बस क्या भाई बोले भाई। विराट कोहली इज अ रोल मॉडल। विराट कोहली इज अ मतलब भाई बंदा जिस जो जो एक स्टैंडर्ड होता है ना, एक मतलब उसको मतलब जो सेट करने वाला बंदा है कि भाई आजो पास आ सकते हो तो स्टैंडर्ड के, मतलब होता है ना कि आधा पास भाई कर ले तो करना है, मतलब उसको भाई खासकर हम दिल्ली वाले लड़कों को तो भाई हमारा तो रोल मॉडल है भाई, आ जा आ तू भाई साले। उसके उसके रामा के छोले भटूरे से लेके भाई मैं क्या उसको हर चीज में उसका मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल बंदा है विराट कोहली। तो भाई इंस्टाग्राम पे देख लो तो हर जगह, मतलब उसने ना एक है कि कर लो क्या कर लोगे, मतलब होता है ना कि दूर दूर तक कोई है ही नहीं। कंपेयर करके बता दे तू मेरे को विराट कोहली का, भाई रोनाल्डो के आसपास कंपेयर है उसका, सोच कंपेरिजन में। इंस्टाग्राम में एक पोस्ट को 7 से 8 करोड़ रुपए लेता है सिर्फ एक फोटो डालने के, भाई तो और बाकी पीछे कोई भी नहीं है है भाई, ही नहीं, सेकंड नंबर पे, मतलब बहुत पीछे है। मतलब ही नहीं भाई। 7 to 8 करोड़ पर पोस्ट पर स्टोरी इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी रेयर ना, इज समथिंग दैट यू डोंट सी रेगुलरली। भाई और एजी क्या है भाई बंदे की, 35 एज 35 जितनी भी 36 है, से है। मतलब भाई उसका 1x, उसका 1.8 कोलेबोरेशन प्यूमा के साथ, मतलब वो पता है क्या है, क्रिकेटर तो है ही, वन ऑफ द बेस्ट मानता हूँ मैं तो पर्सनली। और भाई वो ना बिजनेस माइंडेड है पूरा, मतलब ही इज इन इनटू सो मच बिजनेस, मतलब उसने इतने सारे वेंचर्स, इतने सारे स्टार्टअप्स को फंड कर रखा है। उसका खुद का रेस्टोरेंट चेन है इतनी बड़ी यहाँ पे 1.8 है ना, उसके क्लोथिंग ब्रांड से लेके भाई इतने सारे उसके खुद के स्टार्टअप से लेके उसके, मतलब ही इज इनटू प्योर प्योर बिजनेस, प्योर क्लास एंड प्योर बिजनेस, स्ट्रेट ड्राइव। अल्टीमेट। और वो जो तेरा उसके साथ हुआ था बियर वाइसेस का, वो कौन था यार, वो जो हो गया था, क्या नाम था उसका, जो म्यूजिक वाला पूरा उसका देखता बीयर बाइसेप्स का नाम आयुष तिवारी। आयुष तिवारी, यस उसके बारे में था भाई, मतलब उसका जो एक्सपीरियंस था ना, भाई वो बंदा बताता है आई मेरे को पसंद नहीं था विराट कोहली, मतलब मैं इतना पसंद नहीं करता था, बट वो जो पाकिस्तान वाला मैच जिताया ना विराट कोहली ने, यस उसने कई लोगों को अपना फैन बनाया है, फैन बनाया और भाई उसने मतलब लाइफ टाइम, चेंज मतलब कर दिया भाई, क्रिकेट चेंज कर दिया उसने वहां भाई से, मतलब मैं अलग दिखता हूँ वहां से उसको। हाँ मेरे को अभी तक याद रहते हो, शायद मैंने बताया थी आयुष तिवारी वाली ना, मतलब भाई उसने हाँ तो वही तो बोल रहा उसने हूँ। जब हाथ मिलाया भाई, वो बेसिकली ही वॉज क्राइंग एंड शिवरिंग की, मतलब मैंने और मतलब क्या हो गया, मतलब उसका विराट कोहली का औरत मतलब इतना होगा भाई, मैं तो मतलब मैंने नहीं देखा, बट कुछ तो बात होगी भाई, कुछ तो बात होगी उसमें कि मतलब ऐसा बंदा फील कर बिल्कुल सकता भाई है, बिल्कुल मतलब लिटरली क्राइंग बिल्कुल आफ्टर यार। मीटिंग, सोच इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ इमोशंस। और यार वो पारी इसलिए इतनी स्पेशल है कि बंदा स्ट्रगल कर रहा है 3 साल से, जहां पर वो इतने सालों से टॉप पर रहा है, उसको सुनने की आदत है कि आई एम द बेस्ट आई एम द बेस्ट आई एम द बेस्ट आई एम द बेस्ट, और वो 3 साल से ऐसे स्ट्रगल कर रहा है कि वो जब 2 बार 0 पे आउट हुआ ना भाई, मैं जैसे उसके एडिट्स वगैरह देखता हूँ, मैं भी देख रहा हूँ एडिट्स। ही वाज लाइक ही स्माइल कर रहा है और एक ना डिसअपॉइंटमेंट है हाँ, यस यस दैट, मतलब भाई वो चीज फैन बनाती है। वो और तो वो भाई आके जो भाई उसने मैच निकाला है ना पाकिस्तान वाला भाई भाई, मतलब सैल्यूट है उस बंदे की मेहनत को, उस बंदे के पैशन को, उस बंदे की मौत को। मैं बताता हूँ देखो, जब मेरे को हल्की सी ऐसे कभी कभी क्या होता था, अब थोड़ा क्योंकि क्रिकेट देखना हल्का सा कम हो गया, इंडिया के मैचेस अभी आएंगे वर्ल्ड कप तब देखेंगे भाई, आईपीएल देख रहा हूँ, आरसीबी फैन अगेन, तो यू नो भाई मतलब अगर वो हल्की जैसे होता है ना मोटिवेशन टाइप, या फिर आपका कुछ यू नो मतलब दिन नहीं सही जा रहा, क्या जा रहा है भाई, वो यूट्यूब पे शॉर्ट्स नहीं आती डॉक्यू सॉन्ग के साथ भाई, विराट कोहली की तू वो देख ले भाई, भाई एक बार देख ले भाई मैंने भाई, तो तो हाँ रेकमेंड कर दी तेरे को तूने वो बताई थी भाई, मैं खुद देखने लग गया था उसके बाद, तो मैं कह रहा हूँ भाई क्या कहाँ से, डेली भाई, डेली सुबह उठ के मतलब भाई यस तो कुछ बोल बोल दूंगा मैं भाई, मतलब कह रहा हूँ मैं, पर मतलब ऐसा है उसको कि भाई देख के सेम ना, मतलब उसको ऐसा लगता है कि कंपटीशन की फिर फटनी चाहिए आपसे, मतलब भाई वो बंदा कुछ मतलब है कुछ, मतलब बॉलर को जब देखता भाई, है वो ना, बैटिंग करे तो बॉलर के, हाँ भाई मतलब भाई ऐसे ऐसे देखता है, ऐसा मतलब ऐसा गंदी तरह से इविल स्माइल देख मतलब देखता है एकदम, कि बेटे तू बॉल तो कर पहले भाई, तो दैट इज समथिंग दैट आई लव टू वॉच, मतलब मैं भाई शायद मैं पता है आईपीएल देखूंगा नहीं, मतलब अगर वो चला गया ना, आरसीबी एक तरफ, बट भाई विराट कोहली के लिए ही मैं देखता हूँ एक्चुअली, तो भाई मतलब वो भाई उसी वो वाली ड्राइव है ना फेवरेट शॉट, उसी ऐसे वो फ्लिक मारते ना वाला स्ट्रेट, कौन सी है लेफ्ट हैंड से, कवर ड्राइव, हाँ वो मतलब उसको उसका फेवरेट वो है ना, चेज चेज करता है, चेज मास्टर बुलाते हैं उसको, चेज मास्टर चेज मशीन मास्टर वो कोहली। रन मशीन भाई, चेज मास्टर नाम देख, अब तू कुछ भी बोल सकता है, जैसे रोहित शर्मा भी है, मतलब रोहित शर्मा इज हिटमैन हाँ हिटमैन इज वन ऑफ द बेस्ट, मेरा फेवरेट है वो इज वन भाई, ऑफ द ऐसा मैं समझना मजाक उड़ा रहा हूं, मेरा फेवरेट इज वन है। ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स भाई रोहित शर्मा, तो मैं कह ही रहा हूँ, बट भाई कोहली को ना फिर वो लगता है कि मतलब भाई कि अभी
तू मैच करवा ना, मतलब ऐसा क्यों होता है कि खेल क्यों नहीं रहा, खेल ना बॉल तो करवा, मतलब होता ना कि पता क्या मैं क्या फील करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि रोहित शर्मा मेरा फेवरेट प्लेयर है, उसकी गेम देखने मेरे को मजा आता है, बट अगर मेरे को बनना होगा ना लाइफ में एज अ पर्सन बनना होगा, एज अ करेक्टर बिल्ड करना होगा, तो मैं विराट कोहली जैसा बनना चाहूंगा भाई, मतलब उसके करेक्टर्स लेना चाहूंगा भाई, मतलब उसके जितने भी इंटरव्यू से ज्यादा नहीं है उसके, वो ब्रेकफास्ट वाले जो है ना वो वाले वही है और ज्यादा इतना नहीं है, बट भाई जो भी है वो तो उसमें उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती, बच्चों की चलती है, बाकी उस बंदे रामा के छोले भटूरे मुझे वहीं से देखने उसके ऊपर क्या थिंग, देखो भाई वो अलग लेवल पे मेहनत करते हैं और वो जुनून भाई वो तो, अरे मैं बताता हूं तेरे को, जो वो नहीं है फाफ डू प्लेसी, अभी तो कैप्टन है, प्रेजेंट कैप्टन है आरसीबी का, वो बेचारा फंस गया है, हां उसको इंजर्ड है अभी, फंस नहीं है, इंजर्ड है वो, ए मैं नहीं सुनूंगा, अच्छा मतलब चेन्नई में कब्स जीत रहा था यार, कुछ नहीं, नो नो, यस, अरे वो नहीं है एबीडी विलियर्स भाई, वो मेरा वन ऑफ द, वो भी अरे भाई ये भी ठीक है, तो एबीडी भी भाई, एबीडी ना बहुत अच्छा, वो अरे वो वन ऑफ द, वो भी सबसे हार्ड वर्किंग टाइप समझ ले, वो भी ये बोलता है कि मुझे इतना बुरा लगता था ना अपने लिए कि जब भी मैं एक दिन सोचता था सिर्फ एक दिन जिम नहीं रहूंगा, एक दिन, उस दिन भी विराट कोहली वहीं पे होता था और सबसे पहले होता था, तो मतलब ना ऐसा पूरा दिन खराब से जाता था उसका, एबीडी मैंने उसकी एक वीडियो देखी थी, कहता था मेरा पूरा दिन ना अजीब से जाता था कि यार एक ही दिन मैंने छुट्टी मारी था तब भी वहीं पे विराट कोहली तब भी वेट्स उठा रहा था, तो हम बैठ मतलब यू नो आइसक्रीम खा रहे हैं एंड वो मतलब जिम जा रहा है प्रॉपरली, तो भाई वो ये रोहित शर्मा ने भी कहा था कि उसकी सबसे अनॉइंग हैबिट ये है विराट कोहली की, कि भाई वो तू जो मर्जी कर ले, तू रात को सो मत, पार्टी कर ले, जो कर ले, तो सबसे पहले जिम की तो ताला जो खोलेगा ना वो विराट कोहली होगा, तो है भाई बंदा है तो है कुछ तो चाहिए बोलने के लिए कि जिम जा, दैट इज समथिंग इज भाई आई एडमायर अबाउट विराट कोहली, बहुत तगड़ा भाई वही। एक मैंने उसके एक रील देखी थी, पता नहीं कौन था, पता नहीं शायद कोच स्टाफ, पता नहीं किसमें था, वो कह रहा टेस्ट मैच था, विराट कोहली 170-180 रन बना के आया और वो जिम चला गया, 170-180 आप टेस्ट में मार के जिम जा रहे हो, वो उसकी फट गई भाई, क्या विराट कोहली क्या कर रहा है यार ये, वो पूछता है, कहता है मैं अब ट्रेन कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं थक चुका हूँ और मैं इसलिए ट्रेन कर रहा हूँ, अपने बॉडी को मैं ट्रेन कर रहा हूँ कि 170 को मैं 200-300 में कन्वर्ट कर पाऊँ, कि थके होने के बाद मैं और हार्ड वर्क कर पाऊँ भाई साहब, और भाई बोलना आसान है भाई, नहीं कर पाते लोग, हम नहीं कर सकते भाई इतना हार्ड वर्क, सब अगर सब कर लेते तो उस लेवल पे नहीं होते, टेस्ट भाई टेस्ट में 180 मारने के बाद बहुत खतरनाक, ओ माय गॉड, समझ ले उसने कम से कम उसे 300 बॉल खेली होंगी, मतलब 400 भी खेल सकता है भाई, 300 तो कम से कम खेली होंगी, देख ले भाई ये विराट कोहली।